चले चार मिसरे जो मैं लेके आया हूँ वो सुन लें। एक ही मिसरा बस आप सुन लें, कोई मसला नहीं। हुजूर आपके हुक्म की तकमील होगी। देखें हम यहाँ पर आते हैं आस्थाना पर, यहाँ पर कभी आज तक चलो खती नहीं की, ना कभी करनी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, ताकि हुजूर से मोहब्बत और खैराज रहने। देखें ये आल रसूल का दर है, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, यहाँ पर ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, अहले हदीस भी आते हैं, देवबंदी भी आते हैं, अहले तशय्यु भी आते हैं, अहले सुन्नत भी आते हैं। जिसके एक हाथ में अहले बैत अतहार का दामन है और दूसरे हाथ में कुरान का दामन है, वो हमारे सरों का ताज है। तीसरी यहाँ पर कोई बात है ही, हर किसी के लिए ये दर खुला है। जिसको लंगर चाहिए उसे लंगर मिलता है, जिसे प्यार चाहिए उसे प्यार मिलता है, मगर जब अकीदत और अकीदे की बात है तो चूंकि मुस्तफ़ा ने फरमाया था किन को, अपने असहाब को, सहाबा इकराम को, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, और जिनको फरमाया था उनमें जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब भी मौजूद हैं, जनाब सैयदना उस्मान ज़ुनूरैन भी मौजूद हैं, तलहा भी मौजूद हैं, ज़ुबैर भी मौजूद हैं, सारे सहाबा 165,000 सहाबा मौजूद हैं, मगर ये फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और दूसरी अपनी अहले बैत। तवज्जो है। उसके बाद एक लिस्ट भी दी हजरत हुज़ैफ़ा को, और वो लिस्ट थी मुनाफिकीन की। अगर मेरी कहीं कशफुल कबूर में हजरत हुज़ैफ़ा से मुलाकात होगी तो मैं वो लिस्ट जरूर लूंगा कि उन 165 को ये खिताब करके कि तुम्हारे पास मैं अपनी अहले बैत और कुरान छोड़ के जा रहा हूं। बस जो कुरान और अहले बैत के सिवा किसी और चीज का जिक्र करता है हमें उसकी जरूरत नहीं है। हर कोई कुरान और अहले बैत का मोहताज है, कुरान और अहले बैत किसी के मोहताज नहीं है। ये इस दरगाह की अकीदत है, अकीदा है और खिताब है और लेसन है। लिहाजा यहां पर हम मोहब्बत के सिवा कोई दर्स नहीं देते, ना किसी मोहब्बत के सिवा किसी दर्स को छेड़ने की इजाजत देते हैं। इस आस्थाने के बाहर जो जहां पर भी लड़ रहा है लड़ता रहे, हमें कोई एतराज नहीं। हम या कुरान की बात करेंगे या अहले बैत की बात करेंगे, हमारा तीसरा टारगेट ही कुछ नहीं है। जो कुरान की मोहब्बत लेना चाहे, अहले बैत की मोहब्बत में लेना चाहे, हम आंखें बिछाकर उसके इस्तकबाल में हैं। और जो इन दो चीजों के अलावा किसी का मुश्ताक है तो वो भाई कहीं और पर जाकर अपना दस्त दराज कर सकता है, हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। जी जनाबे, जी